दोस्तों, इनफोकस ने इंडियन मार्केट में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है इनफोकस विजन 3 प्रो, जिसका कीमत रखा गया है 10,999 रुपीज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस नया स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, और अंत में मैं रखूंगा अपना ओपिनियन और आपको बताऊंगा क्या यह स्मार्टफोन खरीदना आपके लिए सही होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं इस नए स्मार्टफोन के बारे में तो आज का ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन टेक गुरु की और एक न्यू एपिसोड में। सो गाइस, बिना कोई टाइम गवा के लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनफोकस विजन 3 की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो डिजाइनिंग और बिल मटेरियल को लेके। गाइस, इसका जो डिजाइन आपको देखने को मिलता है वो लगभग इनफोकस जो विजन 3 वाला फोन है उसकी तरह आपको देखने को मिल जाता है। इसका बिल मटेरियल कॉम्प्लीटली मेटल यूनिबॉडी से बनाया गया है। अगर बात करें डिस्प्ले को लेके तो इसमें आपको 5.7 इंच डिस्प्ले मिलता है जो कि एक 18:9 डिस्प्ले है, और इसका जो रिजोल्यूशन है वो HD+, इसमें आपको 242 पिक्सल देखने को मिल जाता है। गाइस, डिस्प्ले की बात करें तो इस प्राइस रेंज में डिस्प्ले उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। गाइस, इसमें आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है अप टू 128GB। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको मीडियाटेक की MT6750 देखने को मिल जाता है जो कि कॉर्टेक्स A53 बेस्ड है, और गाइस इसमें आपको आर्म A53 वाला GPU देखने को मिल जाता है। तो आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मॉडरेट है, इतना भी खास आपको देखने को नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज में अगर इनफोकस यूज करता है कोई स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर तो काफी अच्छा बात था। गाइस, इसमें आपको मिल जाता है 13MP प्लस 8MP का डुअल रियर कैमरा, और फ्रंट में मिलता है 13MP का फ्रंट कैमरा। इसे देखने को मिल सकता है 4000mAh की बैटरी, और गाइस इसमें आपको एंड्रॉइड 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो गाइस, ये रहा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इस फोन के बारे में। प्राइस तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 10,999 रुपीज। तो गाइस, इस प्राइस के मुताबिक ये स्मार्टफोन उतना अच्छा आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। गाइस, इसमें आपको अच्छा डिस्प्ले मिलता है ना, अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। अभी रैम का बात करो ठीक है, 4GB रैम दिया गया है, 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, वो सब कुछ सही है। लेकिन गाइस, इस प्राइस रेंज में आपको ऑनर 9 लाइट ले सकते हो या फिर Xiaomi का Redmi Note 5 के लिए आप जा सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से आप ऑनर 9 लाइट ले सकते हो। वो ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है, ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाता है इस स्मार्टफोन की कॉम्पिटिशन में। तो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है उतना भी खास नहीं है, इसका प्राइसिंग कुछ ज्यादा कर दिया गया है, इसमें उतना अच्छा आपको स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, मैं आपको फाइनल सजेशन देता हूँ कि आप इस स्मार्टफोन के लिए मत जाओ, आप ले लो ऑनर 9 लाइट। तो गाइस, आज का ये वीडियो बस इतना ही था जिसमें मैंने आपको बताया इनफोकस विजन 3 प्रो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और आपके मन में कोई सवाल आता है नीचे कमेंट करना मत भूलना, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।